बड़ी खबर मेरठ से, जहां एक शादी में डीजे को लेकर दो समुदायों में इस कदर बवाल मचा कि पत्थर चलने लगे। मामला मेरठ के थाना फलावदा के गांव ग्राम रसूलपुर में है, जहां पर जाटव समाज की बारात में डीजे बजाने और महिलाओं का नाचते हुए वीडियो बनाने पर हंगामा हो गया। मुस्लिम पक्ष ने डीजे बजाने पर एतराज जताया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, फिर कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। इसी बीच मुस्लिम पक्ष से पत्थर चलने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, दोनों तरफ से पथराव हुआ। आरोप है कि शादी के फंक्शन में रविवार को भी डीजे को लेकर हंगामा हुआ था, तब मामला शांत हो गया, लेकिन सोमवार को बारात ले जाने के समय फिर से दूसरे पक्ष के लोग गाली गलौच मारपीट पथराव करने लगे। डिप्टी एसपी मवाना सौरव सिंह थाने से फोर्स लेकर गांव में पहुंचे और मामला शांत करवाया। पुलिस ने जाति सूचक शब्द, मारपीट और पथराव की शिकायत पर 18 लोगों को नामजद किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एसपी का कहना है कि नाचते हुए महिलाओं के वीडियो बनाने का आरोप भी लगाया गया है, उसका वीडियो नहीं मिला है। फिलहाल इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। जिनके बेटे सचिन की आज शादी थी और जिसमें उनकी बारात जा रही थी और उसमें डीजे बजाया जा रहा था और जिसमें महिलाएं डांस कर रही थी। इसी बीच में डीजे बजाने को लेकर के और महिलाओं के डांस को लेकर के दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ, जिसमें दूसरे समुदाय के पक्ष के द्वारा इसमें मारपीट और पथराव की घटना की गई, जिसमें थाना फलावदा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। ये अभी इसमें इन्होंने जो तहरीर दी है उसके आधार पर 18 लोगों को के खिलाफ इन्होंने नामजद तहरीर दी है, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो बनाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन कोई वीडियो बनाया जाना संज्ञान में नहीं आया है। ये था कि डीजे को बजाने को लेकर के इनमें विवाद शुरू हुआ और उसी वाद विवाद में मारपीट और पथराव की घटना हुई।